4 डिग्री 5 डिग्री इस टाइम टेम्परेचर है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर सभी लोग बस के ऊपर खड़े हुए हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और ये सब बिना कपड़े के। भाई ठंड नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं लग रही है जी। हाँ, जिस प्रकार राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे हैं उनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। उसी जोश और जुनून के साथ हमने ये फैसला किया है, जब तक राहुल गांधी की यात्रा 26 जनवरी तक रहेगी हम बिल्कुल बगैर टी शर्ट के रहेंगे। इसको कुछ लोग पागलपन भी कहेंगे। इसको पागलपन कहो, दीवाना कहो, ये हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए है। युवाओं को रोजगार यहाँ मिल रहा है? नहीं, युवाओं को रोजगार कहाँ मिलेगा जी। इसको राजकुमार बोलते थे राहुल गांधी को, लेकिन ये हमने इसको देखा है, मैं इसके साथ चला हूँ, बड़ा ही अच्छा बंदा है। इसकी जो है आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार बनेगी और हिंदुस्तान की मीडिया जो है बदलाव चाहती है। जवानों के लिए कि आज 4 साल के लिए सैनिक जाएगा तो वो देश की रक्षा के लिए नहीं जाएगा, आज वो 4 साल पूरे करने के लिए जाएगा। ठीक है, आज वो भावना नहीं है कि मैं सोचता था पहले कि मर मिट जाएंगे तो क्या है, हिंदुस्तान अपना वतन है। आज वो सोचेगा 4 साल पूरे कर लेते हैं फिर घर ही जाना है। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, जो तस्वीर हम आज आपको दिखाने वाले हैं, यकीन मानिए देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। आप घरों में बैठे होंगे, आप अंगेठी का, अलाव का, कांगड़ी का मजा ले रहे होंगे, आप आग के साथ में बैठ करके हाथ अपना सेक रहे होंगे क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है, 4 डिग्री 5 डिग्री इस टाइम टेम्परेचर है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर सभी लोग बस के ऊपर खड़े हुए हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इनमें से देखिए, आगे भी हम आपको दिखाएंगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कपड़ा अपना निकाल रखा है। हम ऊपर चलेंगे और इन लोगों से बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण ये सभी लोग यहाँ पर अपने कपड़े निकाल के खड़े हैं। और ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, ये जो नौजवान है ये वही हरियाणा के नौजवान है जिन्होंने किसान आंदोलन में दिखा दिया था कि हाँ, हमसे आगे कोई नहीं है। तमाम सारे ऐसे नौजवान थे जिन्होंने पूरे प्रदर्शन के दौरान डट करके उन्होंने मुकाबला किया था। अभी ये सारे देखिए, तमाम किसान नौजवान यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में है। भैया एक मिनट ऊपर जाने देंगे ना, 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 आप उस वाले उस पर लगा दीजिए एक बारी। तो यहाँ पर हम चलते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों। लेकिन ये देखिए, अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। एक बार चले जाने दीजिए, ऊपर चले जाने दीजिए। जी जी जी, एक मिनट भाई, चढ़ जाने दीजिए, चढ़ने दीजिए, हम आपको लेकर के चलते हैं ऊपर और ऊपर की तस्वीरें दिखाते हैं, ऊपर बातचीत करते हैं। यहाँ देखे दोस्तों, जो युवा है और ये सब बिना कपड़े के। भाई ठंड नहीं लग रही? साइड से ठंड नहीं लग रही? हाँ, बिल्कुल भी नहीं लग रही है जी। हाँ, हम अलका लोहारू विधानसभा से राजवीर फरेटिया के नेतृत्व में यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा में आए हैं। हाँ, और जिस प्रकार राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे हैं उनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। उसी जोश और जुनून के साथ हमने ये फैसला किया है, जब तक राहुल गांधी की यात्रा 26 जनवरी तक रहेगी हम बिल्कुल बगैर टी शर्ट के रहेंगे, ये हमारा वादा है। हाँ, अरे टेम्परेचर देखो, 4 डिग्री में हो रहा है, लोग कंबल ओढ़ ओढ़ के आ रहे हैं। भैया टेम्परेचर क्या देखे, हमारे दिलों में हमारा प्यार देखो आज कांग्रेस के प्रति, हमारे भाई राजवीर फरेटिया के प्रति। आज हम इस नफरत जो बीजेपी ने फैला रखी है उसको मिटाने का काम करेंगे हम। लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर भाई हमारे देखो बिना कपड़ों के हैं यार, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर है। राहुल गांधी के प्रति प्रेम देखिए, ये राहुल गांधी के प्रति प्रेम है बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के लिए सारे कपड़े निकाल दिए हैं आपने बिल्कुल। इससे हासिल क्या होगा? बिल्कुल आसिर, मैं बताता हूँ आपको क्या होगा, एक प्यार की भावना बढ़ेगी। और जो आज मैं आपको नहीं कहूँगा, छोटे पत्रकार तो साथ है, लेकिन जो बड़ी मीडिया बिकी हुई है ना उसको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी के पास कोई राज नहीं है टी शर्ट का, वो देश के प्रेम में चल रहा है। अरे देश के प्रेम में हमने शर्ट निकाल दी, आज लाखों नौजवान सड़क के ऊपर है, बेरोजगार है। आज आप चाहे बात कर लो कि किसान की, तो किसान रात को 2-2 बजे यूरिया लेता है, DAP लेता है, और हम तो किसान के बेटे हैं, पूरी पूरी रात जो है टी शर्ट में एक बनियान
के अंदर जो है पूरी रात हम खेतों में पानी अच्छा, लगाते इसको हैं। कुछ लोग पागलपन भी कहेंगे, इसको पागलपन कहो दीवाना कहो, ये हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए है। कहते हैं कि हर समय नदी की धारा जिसमें सब जने बह जाया करते हैं, कुछ जने ऐसे होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी से मोटिवेट है आप लोग? मैं राहुल गांधी जी के साथ चला हूँ, 5 मिनट तक उनके साथ चला हूँ, मैं उनसे मिला हूँ, और जो है राहुल गांधी जी से मैंने प्रेरणा ली है कि आज उनको राजकुमार बोलते थे लेकिन आज वो सड़कों पे है तो वो एक देश के नागरिक है। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ और भी है। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम संदीप है। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ गुलेरा का वासी। अच्छा ये बताइए कि ये एक सब क्यों करना पड़ा, क्या वजह है? घर वालों को मालूम है कि ये कर रहे हैं? ये सब कुछ घर वालों को मालूम है कि यात्रा में गए हुए हैं, बाहर जोड़ो यात्रा, ये हम सबके लिए है। हमें एक एक इंसान को जुड़ना चाहिए इसके अंदर। कपड़े निकाल के आप यहाँ कर रहे हैं यात्रा का समर्थन? कुछ नहीं जी, कुछ ठंड नहीं लग रही है, इतना जोश है कि हद से ज्यादा। तो घर वालों को पता है कपड़े निकाल के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब कुछ पता है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग विरोध भी, इसमें मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो केंद्र सरकार की नीतियों का करते हैं, क्या लगता है कौन कौन सी नीतियाँ हैं जिसकी वजह सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है देश को? सर नीतियाँ तो बहुत सी हैं, जैसे तो जो आर्मी के लिए जो 4 साल के लिए गए वो बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। युवाओं को रोजगार यहाँ मिल रहा है नहीं? हाँ जी युवाओं को रोजगार कहाँ मिलेगा जी? नहीं मिल रहा है। खट्टर सरकार का काम काज कुछ नहीं है। तो सारी मोटिवेशन जो है वो राहुल गांधी से मिल रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये बताइए यहाँ पर और ऐसे कितने लोग हैं जो राहुल गांधी से मोटिवेट हैं और वो क्या कुछ करने को तैयार है राहुल गांधी? कुछ भी कर सकते हैं जी। कुछ भी कैसे आप कुछ बताइए हमें, क्या बताना क्या है? कुछ भी कर सकते हैं, जब कपड़े निकाल सकते हैं तो क्या कर सकते हैं वो? 4 डिग्री टेम्परेचर में ठंड के अंदर अगर कपड़े निकाल के खड़े हैं तो जोश है, इसलिए खड़े हैं। हरियाणा का जो न्यूनतम तापमान है दोस्तों वो 4 डिग्री सेल्सियस गया हुआ है, और इस कड़ाके की ठंड में जब मैंने इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं उसके बावजूद भी मुझे इतनी भयंकर ठंड लग रही है। आप देख सकते हैं कि मैंने टोपी भी लगा रखी है, मफलर भी पहन रखा, उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही है। लेकिन ये लोग हैं कि बिना कपड़े के यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी जब इधर से निकलेंगे आप लोगों को देखेंगे तो उनके भी दिल में एक अलग ही प्यार आप लोगों के लिए निकल के आएगा। क्या लगता है कि वो आप लोगों से मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे जरूर जी। अगर मान लीजिए मुलाकात होती है तो क्या कुछ कहना होगा आपका? कहना क्या होगा जी, भाई बहुत खुशी है कि इस यात्रा के अंदर हम चल रहे हैं। चलिए हम आपको और आगे की तस्वीरें दिखाते हैं, और इधर से हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, चले जाएंगे लेकिन रहने दीजिए, डर लगता है थोड़ा सा जी। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कितनी देर बाद अपने कपड़े पहनेंगे? हम कपड़े नहीं पहनेंगे आज, जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक। अरे भाई ये संकल्प मत लो। और संकल्प को छोड़ो यार। हाँ और संकल्प को छोड़ो यार, बोलते बोलो वो टी शर्ट में हमने तो कपड़े ही निकाल रखे हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो पूरे दिन मेरे साथ रहिए, मैं चल के दिखाऊंगा। अच्छा नंगे होकर आप यात्रा में भी चलेंगे? मेरी माँ इतनो घी खुआ है दर दर की, चाउमीन बर्गर खावनिया खोनिया भी ठीक है। और क्या, इसको राजकुमार बोलते थे राहुल गांधी को, लेकिन ये हमने इसको देखा है, मैं इसके साथ चला हूँ, बड़ा ही अच्छा बंदा है। इसकी जो है आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार बनेगी और हिंदुस्तान की मीडिया जो है बदलाव चाहती है। अच्छा ये बताइए, आपने संकल्प लिया है कि जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक कपड़े नहीं पहनेंगे, मान लो आज पूरे दिन ऐसे ही धुंध रहे कोहरा क्या हुआ फिर? पूरे दिन ऐसे रह जाएंगे यार, सारी रात लाइन भी तो बदलते हैं खेतों में। मैं तो नहीं एक बात बता दूं, ये मन से भी होती है, ये मन से भी होती है कि अगर आप जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाता है। अब हमें पहले दो दो स्वेटरों से मेरी सर्दी नहीं रुक रही थी, अब मेरे को लग ही नहीं रही। डर नहीं लगता ठंड से? यार डर हमें शहर से नहीं लगता है, तो ठंड है। अच्छा राहुल गांधी टी शर्ट में चलते हैं, उसको लेकर के कई लोग तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। उसी के लिए तो हमने आज ये काम किया है, ये बयानबाजी और झूठी गोदी मीडिया इस चीज को छोड़ दे, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये इसको मुद्दा बना रही है और कुछ नहीं है जी बस। अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कई बार असफल हो जाते हैं परीक्षा में, या फिर बात करें नौकरी नहीं मिलती सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन यही पे उदाहरण दिया जाता है राहुल गांधी का कि देखें इंटरनेशनल फेलियर साबित होने के बाद भी विपक्ष की तरफ से और जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से भी राहुल गांधी को पप्पू साबित किया गया इंटरनेशनली। उसके बाद भी उसके बाद भी वो बंदा लगा हुआ है, और आज नहीं तो कल उसे उम्मीद है कि बदलाव होगा। देखो देश के अंदर कहते हैं कि आप जब तक चलते रहो जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती। आप एक बार गिरोगे, आप दो बार गिरोगे, आप तीन बार गिरोगे, लेकिन आपको चौथी बार कामयाबी जरूर मिलेगी।
आज इनका राज किसी कारण से चला गया तो क्या है, 70 साल तो जो है कांग्रेस की सरकार रही है, बहुत अच्छी सरकार रही है, बहुत अच्छी इनकी सोच रही है, किसानों के लिए भी इन्होंने किया है, आज जवानों के लिए किया। आज 4 साल के लिए सैनिक जाएगा तो वो देश की रक्षा के लिए नहीं जाएगा, आज वो 4 साल पूरे करने के लिए जाएगा। ठीक है, आज वो भावना नहीं है कि मैं सोचता था पहले कि मर मिट जाएंगे तो क्या है हिंदुस्तान अपना वतन है, आज वो सोचेगा 4 साल पूरे कर लेते हैं फिर घर ही जाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ और लोग खड़े हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजेंद्र सिंह। सर इतनी ठंड में कपड़े निकाल रखे हैं, ये पागलपन कहेंगे इसको लोग? ये पागलपन लग रहा है, ये जोश लग रहा है, जोश जोश राहुल का जोश, भारत का जोश, हरियाणा का जोश, हल्का लोहारों का जोश, भाइयों का जोश, जोश है ये। इस तरीके की तस्वीरें इससे पहले नहीं देखने को मिली है, देखनी पड़ेगी आगे आगे देखनी पड़ेगी। ये बीजेपी सरकार आने पता नहीं क्या क्या दिखाएगी। रूलिंग पार्टी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, डबल इंजन की सरकार है, इंजन तो उनको खराब हो रहे हैं, किस्सा इंजन से है। ये कपड़े उतार के जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये रोज प्रदर्शन है हमारा। अच्छा, समर्थन के साथ साथ में यात्रा के समर्थन के साथ साथ रोज प्रदर्शन में, ये बीजेपी सरकार के खिलाफ रोज प्रदर्शन है हमारा, कपड़े उतार के। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, मुद्दे क्या है, वजह क्या है? आज देश में सारे ही मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। अच्छा, किसान यहाँ के कैसी है हालत उनकी? देखो ये किसान की हालत है, ये किसान की हालत है, ये किसानों की हालत है या राहुल गांधी के समर्थन में निकाले हैं? किसानों की हालत है, राहुल गांधी कपड़े उतर गए, कपड़े उतर गए, डीएपी हमें मिली ने, बंकों में जाओ तो लाइन, कहीं जाओ लाइन में जाओ, तो अब बताओ ये सरकार क्या करे? सरकार विकास करा रही, विकास कहाँ कराएगी, विकास से करावा तो रोड़ो कौन थोने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बातचीत के लिए। तो देखा दोस्तों आपने, मैं चाहूंगा एक बार जरा तस्वीरें उधर से लेकर के और दूसरी तरफ की, दोनों तरफ की तस्वीरें एक बार, तस्वीरें दोनों तरफ की दिखाइए। यहाँ पर देखिए कि बसें खड़ी हैं और बसों के ऊपर सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये सभी लोग यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। जो जोश है इनमें वो जोश दिखा रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, राहुल गांधी से मोटिवेट होकर के। और इसके साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर बीजेपी की नीतियों से परेशान होकर के, उनका कहना है कि हम रोज प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप द लाइव टीवी के साथ। The Life TV, सच सबसे आगे।